गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमने क्या किया इसमें, सब्सटेंस जो हमारे पदार्थ है उसको सेपरेशन किया है। उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है, जैसे विनोइंग, थ्रेसिंग, हैंड पेकिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 40 है। तो हम पढ़ेंगे आज इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन का यूज करके हम कैसे अपने सब्सटेंसेज को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, एक बीकर लो जो कंटेन है, जो भरा है कुछ वाटर से। अलो द वाटर टू बॉइल, और वाटर को क्या करो, बॉइल करो, ठीक है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, अगर तुम लगातार पानी को गर्म करते हो तो क्या जो वाटर है वो स्टीम के अंदर, मतलब भाप के अंदर टर्न, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हीटिंग ए बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर, तो ये जैसे इसने एक बीकर लिया जिसमें वाटर और साल्ट, और इसको ये क्या करना है, बर्नर के थ्रू क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, मतलब कि इसको आंच दे रहा है, और पानी क्या हो रहा है हमारा, गर्म हो रहा है, ठीक है। एंड डिसअपीयर कम्प्लीटली, क्या पानी भाप बन जाएगा और पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगा। नाउ एड द स्पूंस ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल, अब क्या करो, कुछ चम्मच है जो हम नमक की दूसरा बीकर के अंदर ऐड करो, उसको स्टीर करो। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या तुम पानी के कलर में कोई चेंज देखते हो। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर, क्या तुम्हें बीकर में कोई साल्ट दिखाई देता है आफ्टर स्टीरिंग, हिलाने के बाद जब हम पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह हिला देते तो हमें पता चलता है कि हमारे पानी के अंदर नमक है, ठीक है। लेट द वाटर बॉइल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, पानी को गर्म करो और देखो कि बीकर में क्या लेफ्ट है, क्या बचा, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी, जब हम पानी के अंदर शुगर को या साल्ट को ऐड करते हैं तो वो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि पूरी तरह घुल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि पानी के अंदर चीनी है या नमक है। हम सिर्फ टेस्ट से बता सकते हैं कि हमारे पानी के अंदर चीनी घुली हुई है या हमारे पानी के अंदर वो साल्ट घुला है, ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको कि आप पानी में से मुझे नमक को अलग करके दिखाओ, तो क्या आप हाथ से नमक को अलग कर दोगे, नहीं, क्योंकि वो तो उसके अंदर पूरी तरह घुल चुका है। तो अगर पानी से हमें नमक चाहिए, जो हमने घुला था, हमें अपना नमक वापस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमने कौन सा मेथड यूज करना है, इवेपोरेशन, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जब दो सब्सटेंस जो आपस में बहुत अच्छी तरह घुल जाते हैं उनकी सेपरेशन के लिए, जैसे एक मिक्सचर था वाटर का और साल्ट का, उनकी सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, इवेपोरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, किसके, वाटर के इसके वेपर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, मतलब कि जो वाटर है वेपर्स में, मतलब कि वाष्प में या भाप में चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है हमारी, इवेपोरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, तो जो प्रोसेस हमारी इवेपोरेशन की वो लगातार चलती रहती है जब तक कि हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम, साल्ट आता है क्या, नहीं। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्स इन, सी वाटर है जो समुद्र का पानी, उसमें बहुत सारा क्या भरा है हमारा, साल्ट भरा है, ठीक है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पीट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, ठीक है। जब हमारे सी वाटर को अलो किया जाता है शैलो पीट्स में, मतलब कि गड्ढे बना दिए जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, तो जो हमारा वाटर है वो हीट होता है सनलाइट के अंदर, और धीरे धीरे किस में चेंज होने लग जाता है, वाटर वेपर्स में, भाप में, ठीक है। और फिर क्या होता है, थ्रू इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती है कुछ दिनों तक, और फिर क्या होता है, वाटर तो पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता है, और पीछे क्या बच जाता है हमारा, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और पीछे हमारा सॉलिड साल्ट बच जाता है, ठीक है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन, और जो हमने वो साल्ट हमारा बच गया, फिर हम उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हो, और फिर हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, कॉमन साल्ट के अंदर, जो हम खाने में यूज कर, जैसे ये इसने क्या कर रखा है, देखो जैसे ये हमारा समुद्र है, इसने क्या बना लिए, पीट्स बना लिए, मतलब कि गड्ढे बना लिए ऐसे, सॉइलो पीट्स, ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको ऐसे स्केयर के
टाइप में, तो इसमें जो वाटर होता है इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन मतलब कि सन की लाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, ठीक है, तो ये पानी को जब गर्मी मिलती है तो ये वेपोरेट होना शुरू हो जाता है और इसके वेपर्स बनने लग जाते हैं। जब एक भाप बन के उड़ जाता है तो नीचे क्या बच जाता है, साल्ट, मोटे मोटे मतलब नमक बच जाता है, ठीक है। तो फिर साल्ट को कहाँ लेके जाते हैं, प्योरीफाई करने के लिए, और हम कॉमन साल्ट में इसको चेंज कर लेते हैं जो घरों में हम यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यूज करो ए मेथड के वो सेपरेशन के और भी मेथड्स को, ठीक है। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर में से कैसे सेपरेट आउट करना है, ठीक है। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, तो एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, किसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस को जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो हम एक मेथड तो यूज नहीं कर सकते, हमने अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मैथड, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमें बहुत से मैथड्स को यूज करने की नीड होती है, ठीक है। इसने अब इसने बताया कि बहुत से मैथड्स को यूज करना पड़ता है और हमने बहुत से मैथड्स जो यूज किए भी हैं। एक्टिविटी सेवन क्या कहती है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, एक मिक्सचर लो सैंड का और साल्ट का, मतलब कि रेत और नमक का। हाउ वी विल बी सेपरेट दिस, हम इनको अलग कैसे करेंगे, वी ऑलरेडी सॉ दैट कि हैंड बेकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस, तो हमने पढ़ा है कि भी जब सैंड और साल्ट है एक दूसरे में मिले हुए हैं तो हम हाथ से तो पिक नहीं कर सकते ना, कि सैंड को पिक कर दिया या साल्ट को पिक कर दिया, वो तो बहुत अच्छी तरह मिल रखे हैं आपस में, तो इसमें हैंड पिकिंग तो वैसे फेल हो जाता है यहाँ पे मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे सैंड को और साल्ट को, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू दिस, तो क्या करो इस मिक्सचर को बीकर में लो और उसके अंदर कुछ पानी डाल दो, ठीक है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को क्या करो कुछ समय के लिए एक साइड रख दो। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो सैंड है जो रेत है वो बॉटम में आके सेट हो जाता है, जैसे पानी पानी ऊपर रह जाता है और जो हमारा सैंड है वो नीचे आ जाता है, नीचे सेट हो जाता है, ठीक है। एट द बॉटम द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन, हमने पढ़ा था कि जब सैंड है वो नीचे आ जाता है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं पानी को, ठीक है, डिकेंटेशन के द्वारा, क्यों, जैसे डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, जो हमने डिकेंटेशन कर ली उस लिक्विड में अब क्या भरा है, उसमें नमक तो है अभी भी। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ साल्ट है जिसमें जो शुरू में हमने मिक्सचर तैयार किया था, तो साल्ट तो था ही, सैंड और साल्ट का ही मिक्सचर था वो, ठीक है। एक मिनट, जैसे इसने क्या कहा, इसने कहा कि जैसे एक गिलास एक बीकर ले लिया हमने, क्या ले लिया, बीकर, ठीक है, इसके अंदर इसने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया और क्या डाल दिया, साल्ट, ठीक है, सैंड भी डाल दिया और साल्ट भी डाल दिया, इसमें इसने वाटर भी डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर वाटर डाला और कुछ देर के लिए रख दिया तो क्या था, हमारा जो सैंड है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा, वाटर, ऊपर क्या बच जाएगा, वाटर, और जो सैंड है जो रेत है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। अपने घरों में भी बहुत बार देखा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गिलास से ये पानी है जो ऊपर ऊपर का आराम से दूसरे बीकर के अंदर निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, दूसरे बीकर का यूज करके इस ऊपर वाले पानी को हमने निकाल लिया, ठीक है, और इस गिलास में सिर्फ नीचे क्या बच गया, सैंड, तो हमने सैंड को तो अलग कर दिया और हमने अलग किस किस को करना था, सैंड को और साल्ट को, तो सैंड हमारा अलग हो गया। अब हमें हमने जो ये पानी निकाला है इसके अंदर आ गया ये सारा पानी, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, पानी, और इस पानी के अंदर और क्या ऐड था, साल्ट भी था, क्योंकि सैंड तो अलग हो गया, पानी जो बचा उसके अंदर तो वाटर भी है और साल्ट भी है, तो पानी के अंदर साल्ट तो इतने अच्छी तरह घुला हुआ होता है कि हम उसको ऐसे तो अलग कर नहीं सकते। तो हम अब इसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे, वही कि इसको क्या करो, हीट दे दो, हीट से क्या होगा, पानी तो सारा वेपर बन के उड़ जाएगा, क्या बन के, वेपर से बन के उड़ जाएगा, और जो नीचे बचेगा वो हमारा क्या बच जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, हमें क्या करना है, साल्ट और वाटर को जो हमने डिकेंटेड लिक्विड किया है, मतलब कि जो हमने ऊपर ऊपर से जो पानी निकाला उसमें से साल्ट को रिमूव करना है। ट्रांसफर करो इस लिक्विड को टू ए कैटल एंड क्लोथ इट्स लिड, तो इस मैंने जैसे आपको बताया था कि दूसरे बिकर में इसको या कैटल मतलब कितली में इसको निकाल लो और इसको
इसके ढक्कन को क्या करो, बंद कर दो, ठीक है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या करो, कैटल को हीट करो, ठीक है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल, थोड़ी सी देर में क्या देखोगे कि जो हमारी कैटल थी उसके स्पाउट, मतलब कि उसके जैसे ये कैटल थी इसके स्पाउट मुंह में से क्या, जो ये नली जैसा मुंह है इसमें से क्या आना शुरू हो जाएगा, भाप आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करो, टेक ए मेटल प्लेट विद आइस ऑन इट, और एक मेटल प्लेट लो बर्फ के साथ इसके ऊपर, ठीक है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबोव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन फिगर 5.3, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉइल ऑफ, एक मिनट स्टडी करो मैं बताती हूँ फिर आपको। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें क्या कह रहा है, जैसे इसने क्या क्या कैटल ली, ठीक है, कैटल को इसने क्या दी, हीट दे दी, हीट देने के बाद जो कैटल का स्पाउट था मुँह से उसने जब हीट जा रही है तो पानी का क्या करना शुरू हुआ, वेपर बनने शुरू हो गए, वेपर बन के जब इसके मुँह से निकल रहे थे तो इसने एक मेटल की प्लेट लगा दी इसके आगे, ठीक है। जैसे हमारा पानी गैस के ऊपर रखा होता है उबलता है तो हम उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो उसके ऊपर डॉट डॉट आ जाते हैं ना, तो इस मेटल प्लेट के ऊपर क्या आया, डॉट डॉट आ गए, ठीक है। इसके ऊपर ठंडी बर्फ रख दी इसने, आइस के आइस क्यूब रख दी, जब ये गर्म वेपर्स इस ठंडी प्लेट के कॉन्टैक्ट में आए, ठंडी बर्फ के ये वेपर बन के उड़ रहे थे लेकिन यहाँ इनको ठंडक मिल गई, ठीक है, क्या आइस की वजह से, तो क्या हुआ, जो ये वेपर बन गए थे जो गर्म वेपर थे ये बर्फ की वजह से क्या होना शुरू हो गए, ठंडे होना शुरू हो गए, और ठंडे हो गए किसके अंदर, पानी बन गए। जैसे हम गर्म हमारा पानी उबल रहा होता है जब हम उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं तो जो हमारे वेपर्स होते हैं प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं छोटे छोटे बूंद सी, और जब हम प्लेट को उठाते हैं तो छोटी छोटी बूंद गिरती है ना, ऐसे ये छोटी छोटी बूंद गिर रही है और पानी बन रहा है, ठीक है। तो देखो जो हमारी प्रोसेस थी भी, हमने वाटर को किसके अंदर चेंज किया, वेपर्स के अंदर, तो ये तो हमारी इवेपोरेशन होगी, फिर हमने वेपर्स को दोबारा किसके अंदर चेंज कर लिया, पानी के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी, कंडेंसेशन, ठीक है। तो व्हाट इज कंडेंसेशन और व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, पानी का भाप बनना, पानी का भाप बनना इवेपोरेशन है, जब उसको हीट दे रही है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, लेकिन वेपर्स का दोबारा लिक्विड बनना, पानी बनना, ये क्या है हमारी कंडेंसेशन, क्या है कंडेंसेशन, ठीक है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बिन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ बिन बॉइल्ड, ये बताया गया है जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके ऊपर आइस थी तो वो जो आइस ने उसको क्या किया, ठंडा कर दिया और पानी के अंदर उसको चेंज कर दिया, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल, जब सारा पानी इवेपोरेट हो गया तो नीचे कैटल में क्या बच गया, नीचे कैटल में तो क्या बच गया, हमारा साल्ट बच गया, ठीक है। वी हैव द सेपरेटेड शार सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, देखो डिकेंटेशन से हमने क्या किया था, हमने चार प्रोसेस यूज कर लिए यहाँ पे, डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले कंडेंसेशन डिकेंटेशन से क्या किया था, सैंड को अलग किया था, ठीक है, फिर वाटर और साल्ट आ गए थे, फिर हमने कौन सी प्रोसेस यूज की थी, इवेपोरेशन, क्या यूज की थी, इवेपोरेशन से हमने क्या किया था, पानी को वेपोरेट कर दिया था, और ठीक है तो हमारा क्या बच गया था, जैसे डिकेंटेशन कर ली थी, डिकेंटेशन के बाद जो हमने दूसरे बिकर में पानी निकाला था उसमें फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर का यूज करके निकाल लिया था, फिर भी उस पानी के अंदर क्या था, नमक और पानी थे तो हमने पानी को भाप से उड़ा दिया था, वेपर बना दिए थे, तो वो इवेपोरेशन थी, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया था, साल्ट और एंड कंडेंसेशन, और फिर भाप से दोबारा पानी बना दिया था, वो क्या थी, कंडेंसेशन। तो चारों प्रोसेस हमारी यूज हो गई, और सैंड साल्ट और हमारे क्या ये सैंड साल्ट और वाटर हमारे अलग अलग हो गए, ठीक है। पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाई रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड, पहली ने एक प्रॉब्लम को फेस किया जब उसने रिकवरिंग की साल्ट की जो मिक्स था सैंड के साथ, सी हैज ए मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन्हें स्मॉल लॉट ऑफ सैंड, उसने क्या है एक पैकेट था जो उसने सैंड को उसने उसको मिक्स कर दिया, सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, फिर उसने उसी मेथड को यूज किया जो एक्टिविटी 7 में दिखा गया है टू रिकवर द साल्ट, सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन, तो उसने क्या किया उसने देखा कि उसने सिर्फ उसने थोड़ा ही साल्ट मिला है जो उसने जितना साल्ट उसने लिया था, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कैन वाटर डिटोल एंड
एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या वाटर है जो डिजोल्व कर सकता है एनी किसी एक अमाउंट को सब्सटेंस की। जैसे चैप्टर फोर में हमने क्या किया था, वी हैव फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। हमने चैप्टर फोर में देखा था कि बहुत सारे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और एक सोल्यूशन को बनाते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस है जो सोल्यूबल है। हमने कहा था ना कि कुछ सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वट विल हैपन इफ वी गोइंग ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा अगर हम ऐड करते जाएं वाटर फिक्स क्वांटिटी में। जैसे वाटर हमारे पास एक गिलास है और उसमें हम ऐड करते जाएं नमक को बार 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 बार, तो क्या हैपन होगा, ये हम एक्टिविटी 8 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।